हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजे ने जहां चौंकाया तो वहीं अब सियासत अलग दिशा में आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में दो फाड़ होती हुई दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को उन्होंने रोते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत में मानो भूचाल आ गया है। सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भाजपा को आदेश है कि विधानसभा सत्र में सभी विपक्षी विधायकों को निलंबित किया जा सकता है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य ने सीएम सुक्खू पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली ने कि कई विधायक नाराज चल रहे थे। इसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए दो गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये 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 बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं, मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज़ किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इस चीज़ पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे, या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो।